आइए जानकारी लेते हैं ये जो स्टूडेंटों के साथ में जो बर्ताव हो रहा है और जो ये तैयारियां करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा चार चार पाँच पाँच साल वो तैयारी करते हैं, उसके बाद में इनके साथ में जो पेपर होता है एक ही वांडर को पूरे एग्जाम का वो सेंटर दे दिया जाता है, वो अपनी मनमानी करते हैं हमारे बीच में। इन्होंने वी वांट सीबीआई इंक्वायरी और एसएससी के लिए ये भी जो बता रहे हैं। आइए हमसे पूछते हैं आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शुभम है। सर शुभम जी आप कहाँ से हैं? मैं हिमाचल से हूँ सर। हिमाचल से? हाँ जी सर। आपने इतना बड़ा होर्डिंग ले रखा है, ये लेने का क्या कारण है आपका? सर कारण यही है, सबको पता लग गया है कि एसएससी स्कैम के बारे में सबको पता है। ये लोग पेपर करवाते हैं, पहले ही बच्चों को दे देते हैं, लीक करवाते हैं, पैसा खाते हैं, और जो बच्चा यहाँ मेहनत कर रहा है वो बेचारा डिप्रेशन के कारण मर रहा है, ठीक है, रोडों पे सो रहा है 10-10 दिन। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, 10 दिन हो गए हैं। जब कोई मरता है, कोई हीरोइन मरती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं लोग। 10 दिन से यहाँ बच्चा कोई मर जाए, कोई बीमार पड़ जाए, उसका कौन जिम्मेदार लेगा? और हम लोग बच्चे हैं, इतने दिमाग सभी बच्चों में है, इतना नॉलेज है सभी बच्चों में, इतना मैच्योरिटी सब में आ गई है, सब 22 साल है, 25 साल उम्र है, पर इन लोगों में मैच्योरिटी कब आएगी? कब तक खाते रहेंगे, कितना पैसा खाएंगे ये लोग? आला अधिकारी मानते हैं कि सरकारी नौकरी है, लेकिन एक इंसानियत तो है कि इनके घर में भी परिवार में भी बच्चे होंगे, लेकिन इस तरीके से इस बुजदली होकर एक पैसा लेके बच्चों का हनन कर रहे हैं। सही बात है सर, ये लोग फ्री की कमाई खा रहे हैं और इन लोगों को ये पता नहीं है वो पचेगी नहीं इनको। और इन लोगों ने ये पूरी कोशिश की थी कि आंदोलन ख़त्म हो गया, पर ये मैं कहता हूँ, ये जो 100 बंदे यहाँ बैठे हुए थे, 200 बंदे, मैं इनकी दाद देता हूँ, मैं मतलब इनके सामने एक इनकी दाद देता हूँ कि ये लोग इतनी हिम्मत करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब नहीं तो यहाँ से बच्चे चले भी जा रहे हैं, पर जो दूर दूर से आए हुए हैं, जयपुर से आए हैं, कोई अलग अलग जगह से आए हुए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग रोड पे ही रहेंगे, यहीं रहेंगे, उनकी मजबूरी भी नहीं है, उनमें जोश भरा हुआ है, ठीक है। और ये आपके बीच में कुछ नेता आ रहे हैं तो आश्वासन दे? सर नेता तो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितने भी पेपर लेती है एसएससी, वो सारों पे इंक्वायरी होनी चाहिए, सब में चोरी है, सब सीट्स बेचते हैं ये लोग, ठीक है। और सेकंड मांग ये है कि जो भी यहाँ पे ये पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, जो भी पेपर ये कंडक्ट करवा रहे हैं अभी, एसएससी जो भी स्टाफ ये कंडक्ट करा रहा है, ये सारे के सारे पेपर रोक देने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो रहा है, बच्चे हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं हमें तैयारी करनी है, ठीक है, तो उस वजह से भी यहाँ पे भीड़ की थोड़ी कमी हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पेपर है ये भी बंद करा दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आए और यहाँ पे बच्चों का जोश बना रहे। सर एक तब तो आ जाता है कि हम दो करोड़ नौकरियाँ हर साल देंगे और हाँ स्टूडेंट इस रोड पर बैठा हुआ है जो एक काबिल स्टूडेंट है। जी सर, तो ये रोड पर बैठने का क्या कारण है जो 2 करोड़ नौकरियाँ क्यों नहीं मिल? सर वो तो आपको दिख भी रहा होगा और ये जनता भी जानती है, पता नहीं ये लोग, इन्होंने शो ही नहीं करते हैं, ये जितनी वैकेंसीज निकलती है शो ही नहीं करते हैं, ये पहले से ही सब स्कैम चला हुआ है, जितनी सामने सीट्स होती है वो भी बेचते हैं और जो शो नहीं करते वो भी बेचते हैं। तो आगामी योजना क्या रहेगी इस धरने को लेकर आपके? ये धरना चलता रहेगा सर, जब तक ये लोग हार नहीं मानेंगे ये चलता रहेगा। राजनाथ सिंह का बयान आया था कि हम सीबीआई जांच करा रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल बात है, वो जितने मैंने देखा है वो बयान, जितनी सिंपलिसिटी से वो बोल रहे हैं, खड़े होके यहाँ पे आइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए, बस आके यहाँ पे खड़े हो जाइए आके, और हमें लिखित में दे दीजिए, बता दी एक सीबीआई इंक्वायरी के बारे में, बोलना नहीं है, बोल के नहीं, लिखित में दे दीजिए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद भी आएंगे, अगर कोई इंक्वायरी उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता है हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल पे, तो हम दोबारा आएंगे और दोबारा अपने लिए लड़ेंगे और सारे भाई आएंगे और सारी ये लड़के आएंगे यहाँ पे। थैंक यू सर। क्या नाम आपका? जी सर मेरा नाम मोबीन है। और देखिए बड़ी शर्म की बात है सर ये, कि हम 3-3 साल एसएससी की तैयारी करने के बाद और उसके बाद भी हमें मेरिटों में धांधलेबाजी चल रही है उसमें निकाल दिया जाता है। सर ये दो तीन साल तो हम अपनी उम्र जो जवानी का टाइम है, ये सर हम 3 साल तो अपनी तैयारी करते हैं एसएससी की और उसके बाद भी जो ये सीबीएस सेटिंग हो जाती है सर वो लोग पहले हाथ मार देते हैं। माँ बाप ये कहते हैं कि भाई तुम पढ़ने में कमजोर हो, पेपर नहीं, बाहर रहकर सर घरों से सर पेपर करवाएं तो ये कमजोर क्या सर, घरों से बाहर रहकर हम 3-3 साल बाहर रह रहे हैं फिर तैयारियां कर रहे हैं और उसके बाद भी सर धांधलाबाजी चलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कावट है, मैं जयपुर से आया हुआ हूँ, मैं पिछले 8 दिनों से यहीं पे हूँ,
मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारी मांगे मान लो, हमारी पास इतनी सी मांगे है, ये 2016 से जो भी एग्जाम है एसएससी की उनको भी सीबीआई जांच हो सुप्रीम कोर्ट के साथ, पहली मांग तो ये है। और ये सीजीएल की ये जो एग्जाम चली हुई है सीएचएसएल की, उसको उसको रोक लगाई जाए, उस पर भी स्टे लगाई जाए, बस इतना सा कहना चाहता हूँ।